हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ बॉक्स, पलंग का जो बॉक्स है उसमें मैंने ब्लैंकेट रखा हुआ है। वो सब जब ठंडियाँ जब ख़त्म हो जाती है तो मैं सारा ब्लैंकेट धो के इसमें ही रख देती हूँ, और फिर जब ठंडियाँ शुरू होती है तो निकाल लेती हूँ। आजकल पड़ने लगी है कुछ ठंड, ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन फिर भी लगती है ठंड, तो मैं मोटा वाला ब्लैंकेट तो नहीं लेकिन कुछ पतली वाली ब्लैंकेट उससे मैं निकाल ले रही हूँ। मोटा वाला फिर एक महीना बाद निकालूंगी जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब। अभी कुछ कम ठंड है तो कुछ पतली वाली ही मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ठंड लगे तो फिर रात में नींद भी ठीक से नहीं आता। कुछ दिनों से मतलब ठंड लगती थी रात में, तो मैं सोच रही थी इसको निकालूंगी, लेकिन ये है ना, ये इतना ज़्यादा भारी है ना, ये प्लाई मैट्रेस दोनों ही बहुत भारी है, अकेले से मुझसे ना उठता ही नहीं है। तो आज मैं बोली अपने हस्बैंड को, आप पकड़िए मैं निकालती हूँ, या तो मैं पकड़ूँ तो वो निकालेंगे या तो वो पकड़ेंगे तो मैं निकालूँगी। तो ये का प्लाई भी है ना बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं उठता अकेला से, तो बस ये यहाँ पे उसको उठाया तो मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया। अब मोटी वाली ब्लैंकेट जो फिर ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना तब निकाल लूँगी, बेकार में अभी निकाल के पूरा बेड को भर के क्या फ़ायदा ना यहाँ वहाँ। अभी इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है कि मोटी वाली ब्लैंकेट चाहिए, इस ब्लैंकेट से फिलहाल तो अभी एक मंथ तो काम चल ही जाएगा, फिर ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर निकाल लेंगे। और ये सिंगल ब्लैंकेट नहीं है, डबल साइज़ का ब्लैंकेट है ये, बस ये थोड़ी सी पतली है, ज़्यादा पतली नहीं है ये, मतलब थोड़ी सी पतली, जैसे कड़ाके की ठंड पड़े ना तो फिर ये दोनों को मिला के ओढ़ना पड़ता है। तो मोटी वाली ब्लैंकेट है उसे मैं निकाल लूँगी, और यहाँ मैं इसको रख दी। और उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था, उसके बाद ना क्लीनिंग का ना ब्रेकफास्ट का कुछ नहीं, ये डायरेक्ट आफ्टरनून का टाइम का है। मैंने खाना भी बना लिया था, सिर्फ पकौड़े बनाने थे, मैं पकौड़े नहीं बनाई थी, उसे मैंने मिक्स करके बना के मतलब मिला के रखी हुई थी, बनाना था बाद में बनाऊँगी, सोची कि आज ये काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद का मैंने ना ब्लैंकेट नहीं, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये दोपहर का टाइम है, ये जो मैंने झालर वगैरह जो लगाया था, गेट झालर वगैरह, लाइटिंग वगैरह जितना भी मैंने लगाए थे, टुनी लाइट वगैरह, ये सब मैं खोल रही हूँ। मैं कब से सोच रही थी खोलूँगी, लेकिन ये भी एक काम है ना, होता ही नहीं था जल्दी, आलस लगा था, कल खोल लूँगी ऐसे से होने लगता था, परसों खोल लूँगी, आज बोली नहीं भाई मैं खोल ही लेती हूँ। बच्चे भी घर में थे, स्कूल नहीं गए थे आज, तो हम बोले चलो मतलब मैं खोल लेती हूँ, तुम लोग मेरा हेल्प कर देना। तो वहाँ मैंने मेन गेट का तो खोल लिया था, और ये जो मैंने बरांडा में लगाया था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो ये अकेला यदि मैं खोलती ना तो फिर सारा बल्ब वगैरह वो नीचे गिरता, मतलब टूट जाता या फिर उलझ भी जाता आपस में। तो मैंने तानिया को कहा कि तुम ना मैं जैसे खोलते जाती हूँ और तुम उसको मतलब उसको फोल्ड करते जाना ताकि आपस में उलझे नहीं। आज एक ये काम भी हो गया था, आज मैंने पूरे घर का बाहर का बरांडा का सब जगह का लाइटिंग खोल ले रही हूँ, और इसको फिर अच्छी तरह से मैं पैक करके फिर जगह पे रख दूँगी, और फिर नेक्स्ट ईयर दीपावली में फिर सजेगी। ये भी एक बहुत बड़ा ही अपने में काम है, एक बार लगाओ और एक बार फिर खोलो, ये भी पैकिंग की तरह ही एक है, झंझट वाला काम, लगाओ और फिर खोलो। तो बस आज देखो मैंने यहाँ पे सारा खोल लिया है, अब मैं बड़ा वाला तो मैंने हाथों हाथ वहीं पे तानिया फोल्ड कर रही थी, मैं खोल रही थी, और ये जितने भी घर में जो मैंने लगाए थे मेन गेट में वो सब मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। और अब उसके बाद हस्बैंड अभी आए नहीं थे, हस्बैंड आएंगे तो खाना बनाऊँ मतलब ये बनाऊँगी मैं पकौड़ा बनाऊँगी, तो यहाँ मैं आ गई थी पकौड़ा बनाने क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे काम करते करते बीच में, तो मैंने सारा काम वहाँ छोड़ दिया, जो मैं फोल्ड कर रही थी लाइटिंग वगैरह को जो मैं पैक करके रख रही थी उसे मैंने रख दिया, बोले चलो बाद में कर लेती हूँ पहले मैं खाना दे देती हूँ, फिर वो ज़्यादा देर रुकते नहीं वो चले जाते हैं ऑफिस इसीलिए। तो यहाँ मैं पकौड़े बनाने आ गई थी, मैं सारा मिक्स करके रखी थी, ये चना दाल को मैंने फुला के पीस के और उसमें प्याज मसाले सब मिला के मैंने रखा हुआ था, सोची जब खाना खाएंगे तो गर्मा गर्म मैं इसके तल लूँगी। तो देखिए मैंने खाने में यहाँ पे दाल चावल और आलू बीन्स की भुजिया बनाई है मैंने, मतलब सिंपल खाना बनाया, और जब प्लेन खाना इस तरह का बने ना दाल चावल भुजिया, तो उसके साथ में पकौड़े या फिर पापड़ चिप्स बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मेरा मन किया कि मैं पकौड़ा ही बना लेती हूँ, तो मैंने चना दाल को फुला के पीस के मैंने पकौड़ा बनाया था। उसके बाद सबके खाना पीना हुआ, खाना पीना खाने के बाद सब बर्तन वगैरह धुलने के बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, और जो मैंने लाइटिंग वगैरह रखा था फोल्ड करने के लिए वो सब भी मैंने अच्छे से फोल्ड करके अपने जगह पर सबको रख दिया अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगी, थोड़ी देर के सो गई थी। और फिर ये हो रहा है शाम का टाइम, शाम का 5 या 5:30 बज रहा था, फाइनली मैंने आज सोचा कि मैं बैग अनपैक कर ही देती हूँ, कितना है वो करीबन 6-7 दिन हो गया था मेरा आया हुआ लेकिन मैंने बैग अनपैक नहीं किया था, बस सोच रही थी करूँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था, आलस लग जा रहा था मुझे करने में, पैकिंग करने में उतना आलस नहीं और अनपैक करने में भी, मैंने ज़रूरत पड़ता तो मैं उसमें से कपड़े निकाल लेती थी लेकिन खाली नहीं कर रही थी, फिर सोचे आज मैं खाली कर ही देती हूँ, तो जगह कम घर में, ऊपर से इतना बड़ा बैग भी जगह लिया हुआ था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, यहाँ वहाँ हुआ तो धूल भी तो लगी जाता है ना ट्रॉली में, तो धोना नहीं होता है बार बार वरना ख़राब हो जाता है, तो एक सूती कपड़े को अच्छे से भिगा के और उसे निचोड़ के फिर मैं उसी से पोछ ले रही हूँ, ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा अंदर बाहर सब मैं पोछ लूँगी, और कुछ देर छोड़ दूँगी ये सूख जाएगा तो फिर उसे मैं अच्छी तरह से रख दूँगी।
और वो सब करने के बाद मैं सारा कपड़ा वगैरह मैंने अरेंज करके अलमीरा में रखा, उसके बच्चे पढ़ाया, बच्चे को मैंने पढ़ाया, चाय नाश्ता हुआ और ये हो रहा है अब नाइट का टाइम। ये रात का 9 बज रहा है, यहाँ मैं बना रही हूँ डिनर। तो मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा रात में ही डिनर बनाती हूँ, मैं जल्दी नहीं बनाती क्योंकि मेरे यहाँ सब हर किसी को, मतलब मेरे बच्चे को, हम लोगों को सबको लेट से ही डिनर करने की आदत है, इसलिए लेट से ही बनाती हूँ मैं। तो ये 9 बजे मैं बनाना शुरू की हूँ। तो मैंने आलू को बॉयल कर लिया था यहाँ पे और उसे मैश कर लिया था, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे, जो भी न्यू आलू मार्केट में आए हुए हैं ना उसके। तो यहाँ मैंने ना क्या लिया था, मिर्ची, प्याज, लहसुन, ये मैंने लिया था। इसे मैंने थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले में मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, बस यही डाला था और कुछ भी नहीं, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद जब मैंने आलू मैश करके रखा है ना, वो मैं इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये आलू जब मैंने मैश किया था उसी समय मैंने इसमें नमक मिला दिया था, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो मैं दिखा भी देती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ में आलू के पराठे। तो फाइनली इसमें मैंने धनिया का पत्ता मैंने इसमें डाला। धनिया का पत्ता का तो मज़ा ही अलग होता है ना आलू पराठे में, यदि डाल दिया जाए आलू के स्टफिंग में धनिया का पत्ता तो इसका तो दुगना हो जाता है स्वाद जो है। तो इसे कुछ देर मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा, तब तक मैंने आटा लगाया। मैंने बेसन में बर्तन पड़े हुए थे चाय नाश्ता का, वो मैंने धोया शाम का चाय नाश्ता का, तब तक ये आलू ठंडा हो रहा था। ये आलू ठंडा, आलू गरम गरम आलू ना स्टफिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, तो फिर तब तक ये ठंडा हो गया था। मैंने आटा लगाया, बर्तन धोए, तब तक ये ठंडा हो चुका था। अब मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। तो मैंने यहाँ एक लोई लिया, लोई में मैंने अच्छे से कटोरे की तरह मैंने इसका शेप दिया। उसके बाद ना मैं यहाँ पर आलू की स्टफिंग मैं दे रही हूँ, उसमें भर रही हूँ, उसमें मैंने अच्छे से मैंने ना इसमें दाब दाब के बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके आलू में भर रही हूँ। कम कम आलू भरा हुआ ना पराठे ना मेरे यहाँ पे किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जितना हो सके ना उतना मैं दाब दाब के भरती हूँ उसमें। आप देख भी रहे होंगे कि मैं इसमें कितना ज़्यादा दबा दबा के भर रही हूँ। और इसे भी जो मार्केट में न्यू आलू आया हुआ है ना, ये उसके आलू के पराठे हैं मैं बना रही हूँ। तो ये आलू ना बहुत सूखा सूखा होता है, तो बहुत इजीली आराम से हम दबा दबा के भर सकते हैं। लेकिन कोई कोई आलू होता है ना जो बहुत ही पचपच करता है, गीला टाइप का होता है, तो वो जल्दी भरता नहीं है, वो फिर फटने लगते हैं, ज़्यादा हो भर भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये न्यू आलू है ना, तो ये बहुत सूखा सूखा होता है और ये आराम से अपने दाब दब के भर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा भर लिया है और अब यहाँ पर मैं पराठे बेलती हूँ और सेकूँगी। तो देखिएगा ना, ये जो मैं बेलूँगी ना, तो इसके ऊपर से एक आलू का परत दिखेगा, वैसा दिखना चाहिए, तब मतलब मेरे यहाँ पे सबको पसंद है और मुझे भी वैसा ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए ऊपर ये फटे नहीं है, ये ना आलू का परत दिख रहा है ऊपर से, मतलब इतना आलू मैं भर के बनाती हूँ ताकि ऊपर से अब बेलने पर ना ये आलू दिखे। तो ऐसे पराठे का मज़ा ही अलग होता है। बस तो मैं यहाँ पे मुझे जितने पराठे खाने हैं, मतलब जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही बनाऊँगी, और आटा में मैं छोड़ दूँगी, ज़्यादा ही आटा लग गया था मुझसे। फिर आलू के पराठे ठंडे तो अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए मैं इतने बना लूँगी और आटा मैं फ्रिज में रख दूँगी। ज़्यादा आटा मेरे से गूंद गया था तो मैं छोड़ दूँगी और मॉर्निंग में फिर ब्रेकफास्ट में बना दूँगी, क्योंकि आलू का स्टफिंग भी बहुत सारा था, वो भी बच गया था। वैसे तो आलू के पराठे चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी अच्छा लगता है, चाय के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बनाओ तो मैं चाय बना लेती, लेकिन रात का काफ़ी टाइम हो रहा था, 9 बजे बनाना शुरू किया था, खाना खाने हम 10 बजे बैठे, तो इतना लेट से तो फिर चाय ठीक नहीं लगता, तो मैंने अचार के साथ ही हम सब लोग खा लिए थे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे कितने फूले फूले पराठे बनकर तैयार है, कोई कम फूला था, कोई ज़्यादा फूला था, लेकिन सारे पराठे फूले थे। कि जब वो ना, जब हम स्टफिंग करते हैं, रोटी बेलते हैं ना, तो यदि वो ना फटे ना तो पराठे बहुत फूले फूले बनते हैं। आप देख सकते हो, देखो कितना फूला फूला पराठा है ना। तो बस यही हमारा रात का डिनर होगा, 10 बजे हम डिनर कर लेंगे। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लीजिए अचार के साथ। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।